शिक्षा के अधिकार कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौती शायद पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कूल तक लाने की होगी। कानून बन जाने से 6 से 14 साल के हर वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भले ही राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी होगी। राजस्थान के शैक्षिक रूप से पिछड़े 186 इलाकों के 4,735 स्कूलों में लहर नाम से चल रही है एक ऐसी योजना जो मिसाल है इस बात की कि अगर सरकार ठान ले तो 2015 तक पूर्ण साक्षरता हासिल कर लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस योजना के तहत कोशिश की जा रही है कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुकूल माहौल मिले। पढ़ने पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। छात्र खुद ही अपनी अनुपस्थिति भरते हैं, टीचर भी बच्चों के साथ ही बैठते हैं। किताबी ज्ञान के परे बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुचित तरीके अपनाए जाते हैं। नतीजा, बच्चों को भी यहाँ पढ़ने में मजा आता है और ड्रॉपआउट की दर भी काफी कम है। राजस्थान की इस मिसाल से साफ है कि सरकार की इच्छा शक्ति के सामने संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां नहीं टिक पाएंगी। इस समय जयपुर से प्राची शर्मा। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का और जानते हैं कि वहाँ के बच्चों में शिक्षा के अधिकार कानून के प्रति कैसा उत्साह है। पैसों की किल्लत के कारण जो हम नहीं पढ़ पाते थे, अब सरकार की वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। अब हमें नए नए बैग मिल सकते हैं और हमें स्कूल जाने के लिए स्कूल के कपड़े भी मिल सकते हैं। अब बहुत अच्छा है, सरकार अब हमें ये सब दे रही है, ऐसे हर एक बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है। फ्री में यूनिफॉर्म, बैग और सब मिलने लगे हैं। अब हमें फ्री में यूनिफॉर्म मिलेगी, अब हम पढ़ सकते हैं और अब हर बच्चा पढ़ा लिखा कहलाया जाएगा। गवर्नमेंट ने यह सुविधा दी है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमें यूनिफॉर्म, किताबें, अन्य चीजें हमें प्राप्त होंगी। सरकार हमको फ्री का बैग, यूनिफॉर्म व पढ़ने की सुविधा देती है, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि साक्षरता का सपना जल्द पूरा होगा और हर बच्चे के हाथ में कॉपी किताब होगी। शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हम सब बच्चों को अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। सब पढ़े सब बड़े के साथ हमें दीजिए अनुमति। साथ